भगवान श्री कृष्णचंद्र समझ गए कि अब ये गौरव अदिति का ही साथ युद्ध करेंगे, तो उन्होंने भी पांडवों को थोड़ा सा साथ देते हुए जिस प्रकार से भीम ने द्रोणाचार्य को मारा, अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध के नियमों से वह गलत था, लेकिन अगर शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह गलत नहीं है, क्योंकि जहां स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हो वहां गलत हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ तो उसमें क्योंकि माता गांधारी के वर के कारण दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र समान हो चुका था, लोहे का हो चुका था, उस पर गदा प्रहार से भी कुछ असर होने वाला नहीं था, और भीम मारता मारता थक गया। इतना युद्ध हुआ कि सुबह से लेकर के संध्या होने को आई, लेकिन दुर्योधन हारने वाला नहीं, और तो और उसने गदा को भी एक तरफ छोड़ दिया, कहा भीम तू तो बच्चा है, मुझे तेरे लिए गदा की भी आवश्यकता नहीं है, तू मुझ पर प्रहार करता रहे और देख मेरा शरीर तेरी गदा को कैसे सहन करेगा। अब तो भीम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बिना गदा के दुर्योधन युद्ध कर रहा है और भीम प्रहार पर प्रहार कर रहा है, दुर्योधन के शरीर पर कुछ असर नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे आवाज आ रही है जैसे लोहे से लोहा टकराता है, टन टन की आवाज से, और भीम घबरा गया, अब क्या होगा। तब भी भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर उनको इशारा किया कि जंगा पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। अभी अभिषेक करेंगे सब, धन्यवाद, हरे कोई कीर्तन नहीं, ये राधा रमन प्रभु जी थोड़ा कीर्तन करो, हर ये कृष्णदास प्रभु और दूसरे बैठ के कीर्तन करो, प्रभु जी आपका कीर्तन बैठ करो, निताय पद कमल निताय गुण आपका कीर्तन करो, माइक लेकर खड़े होकर इधर आ जाओ, माइक ले आओ इधर ले आओ, लाइट जाएगी, अंधेरा आ रहा है, अंधेरा है, वो कहाँ गई थी वो लाइट देखा तुमने, लाइट हाँ अब लोग करो, मैं अभी से कर रहा हूँ, हाँ निताई पद कमल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशील निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशील। हरे कृष्णा, हमारे जो भक्त लोग जहाँ हैं सब नीचे चले आओ, हरे कृष्णा, जो भक्त लोग हैं घर घर में रूम रूम में सब बाहर निकल करके आ जाओ, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशील Bye.
निताई निताई गो नमानिया मार निताई गो
हरे कृष्णा बोलेंगे सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 इतना बड़ा कुकर्म किया
और सारे पापों का आश्रय लेकर के इस दुर्योधन ने हमेशा पांडवों का नाश करने की सोची और इसका आज खत्म हो जाना ही ठीक है। तब भी बलराम जो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला में हमेशा सहयोग और सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को जान करके, लीला तो क्रोध की लेकिन इच्छा भगवान श्री कृष्ण की जो थी उसका अनुमोदन करते हुए वहां से वो प्रस्थान उन्होंने किया है कि मैं ऐसे युद्ध में खड़ा होना भी पसंद नहीं करता जहां अरीति हो, मैं अभी तीर्थ स्थलियों का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, और ये कहकर वहां से चले गए। और तब भीम ने प्रहार करके दुर्योधन को लिटा दिया। तो यहां पर देखा गया लक्ष्मण जी जो श्री रामचंद्र जी की लीला में हर प्रकार के दुखों को देखते हुए जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री राम जी के ऊपर इतने बड़े बड़े संकट आए, राजकुमार है और राजकुमार से जैसे ही थोड़ा सा सोचने और खेलने की अभी अनुमति पाने की कोशिश की तभी वहां ऋषिगण आ गए और कहने लगे कि हमें मन को लिख जाना है तो, और वहां पर असुर असुर मारने के लिए आपके राम भगवान की आवश्यकता है, तो वहां पर राम और लक्ष्मण को ले गए। तो शुरू से ही बचपन से ही वहां पर उन्होंने जो है असुरों का सिंहार करने के लिए राम जी का साथ दिया, और जब उनका अभिषेक होना था, राज्य अभिषेक होना था, तो उनको फिर से मैया कैकेयी के कारण वन को जाना पड़ा। तब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए थे और कहा मैं ऐसे पिता को नहीं मानता, पिता तक को उन्होंने अनावश्यक प्रश्न कर दिया कि ये राजा होने के गर्व के कारण कुछ भी कर दिया। श्री रामचंद्र जो सबके प्राण स्वरूप है उनको वन भेज रहे हैं और अपने पिताजी को भी खरी खोटी सुनाने से भी रुके नहीं। वही यहां पर बलराम जी यहां पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो उनकी इच्छा होती है, भगवान रामचंद्र जी की इच्छा थी वन को जाने के लिए, और पिता आदि किसी को भी कुछ ना कहना, तो लक्ष्मण जी छोकर चले गए थे। इधर भी ऐसे ही उन्होंने किया, बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को जान करके वहां से चले गए। तो ऐसे बलराम जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सेवा प्रदान करते हुए, संपादित करते हुए और हमें चित्त बल प्रदान करते हुए विराजमान है। ऐसे बलराम जी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। श्री श्री माधव भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा पाद पद्म नित लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति वेदांत श्रीला नारायण स्वामी महाराज के चरण स्पर्श में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उसी त्रिदेव पाद सकला
हरिदास ठाकुर को बोले सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास
आमार आज्ञा किया सर्वत्र घबरा चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश और आमारे आज्ञा गुरु भैया तारा की देश है। इसलिए उन्होंने नित्यानंद गुरु हरिदास ठाकुर को उन्होंने आदेश दिया, बोले सुना मेरे आदेश, बोले क्या है, बोले प्रति घरे घरे किया मांग भिक्षा, हर घर घर में जा करके भिक्षा मांगना, बोले क्या भिक्षा मांगना, बोले तीन चीज को भिक्षा मांगना, बोले क्या, बोले बोलो कृष्ण, अगर कुछ बोलना है कृष्ण छोड़कर और कोई बात नहीं बोलना, इसलिए एक बार हाथ ढाकर के बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कल्याण का कोई उपाय नहीं, इसलिए
लिए कितना गाना होगा? कितना गाना होगा? दो। अब लास्ट में पूछूंगा। और वो तीसरा गाना क्या है? ये दोनों को क्यों भेजे? तीसरा गाना बताए, भिक्षा मांगने के लिए भेजे, घर घर में भिक्षा मांग। अब बताओ भिक्षा कौन मांगता है? जो गरीब है, जिसके पास में कुछ चीज है ही नहीं, वही तो भिक्षा मांगता है ना। लेकिन यहाँ भिक्षा मांगने वाले कौन? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन? ब्रह्मा। कौन है? पितामह ब्रह्मा। ये दुनिया को जो सृष्टि करने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु, आदि उसे बलदेव प्रभु, जिनसे की विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे होता है, सारे अवतार जिनसे निकले, सारे अवतार जिनसे निकले हुए हैं। ये सत्ता एक तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक और एक एक ब्रह्मांड का मालिक। जब इतने उच्चे व्यक्ति, जैसे साधारण लोग अगर वो भिक्षा में आते हैं ना, हाँ, जब भिक्षा आता है, भिक्षा मांगने के लिए आता है, भिक्षा मांगने वाले का हाथ कैसे होता है? नीचे। और देने वाले का हाथ कैसे होता है? ऊंचा होता है। देने वाले का हाथ ऊंचा और लेने वाले का हाथ नीचा होता है। इसलिए जो देते हैं वो बड़े। अभी अगर कोई व्यक्ति विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, भैया वो व्यक्ति जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वस्तु देना पड़ेगा ना। साधारण कोई भिक्षा मांगने के लिए 100-200 रुपया दाल चावल रोटी दे दिया। लेकिन जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है सारा दुनिया को, उसको फिर आप जितना बड़ा होगा उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा ना। इसलिए भैया वो छोटे मोटे भिक्षा मांगने नहीं आए। क्या भिक्षा मांगने वाले आए? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण। इसलिए भजन करना तो कृष्ण भजन करना, शिक्षा करना तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा करना, और बोलो तो कृष्ण ही बोलो। इसलिए वो छोटे मोटे भिक्षा मांगने नहीं आए, वो साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर भगवान को भिक्षा मांगने के लिए आए। इसलिए वो छोटे मोटे भिक्षा मांगने नहीं आए। इसलिए कहते श्रीमान महाप्रभु ये दोनों को भेजे। इसलिए कहते दोनों कौन? बोले जुगत धर्म पालो। जुगत धर्म जो हरे कृष्ण महामंत्र कहते मेरे गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु भी ये जुगत धर्म को पालन करने वाले नित्यानंद प्रभु। इसलिए जुग जुग धर्म पालो आजार लंबित भुजो कनका बतातो। उसके बाद में संकीर्तन पितरो कमलाय ताक्षो बोले विश्व कहते इस विश्व को भरण पोषण करने वाले जैसे महापुरुष का इतना विश्व भरे। बोले क्यों? बोले महाप्रभु जन्म लेते ही क्या हुआ है? पूरा दुनिया में हरा भरा हो गया, हाल फूल में लद गया, सारा दुनिया एकदम फसल खेती। जब महाप्रभु जन्म हुए, जैसे कृष्ण जन्म होने पर संपूर्ण वृंदावन नाच उठी, महाप्रभु जन्म होने पर सारा दुनिया नाच हो गई, सभी का हृदय में आनंद, सभी विध का फल। उसी तरह कहते श्री नित्यानंद प्रभु भी कहते ये क्या है? कहते वो विश्व को जैसे भरण पोषण किया, एक तो खाना पीना दे करके, बोले दूसरे रूप में कैसे भरण पोषण किया? बोले भगवान की भक्ति को दे करके उन्होंने भरण पोषण किया। बोले उसी तरह श्रीमान नित्यानंद प्रभु भी जब वो भी जन्म ग्रहण करते हैं, वो भी विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम को द्वारा भरण पोषण करते हैं। इसलिए लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं? नीताई गो नमनी अमर नीताई गो नमनी आनिया प्रेमेर वन्या भाषा लवनी प्रेमेर वन्या लैया नीताई आइला दौड़ देशे डूबिला भगत गना दीनही न भास। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? बोले प्रेमेर बन्या लैया नीताई आइला गड़ देशे और डूबिला भगत गण दीनही न भासे और आवध करुणा सिंधु काटिया महान। कोई उदाहरण दिया है, जैसे एक तरफ में पानी पानी हो, बांध बांध, अगर उसको बीच में काट दोगे ना, आप देखना पानी कितने तेजी से आएगा, सामने जो आएगा उसको बहा कर ले जाएगा। इसको सुनामी कहते हैं ना, इसको सुनामी कहते हैं। वो सुनामी जैसे कहते ये नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उन्होंने जो प्रेम की जो बांध बंधा हुआ था उन्होंने काट दिया, उन्होंने काट दिया ना, वो इतने तेजी से आई
तेज से आई, जो सामने आया उसको बहाते हुए ले लिया। और भारत को तो डुबाया डुबाया ही है, लेकिन इसका प्रेम का बाढ़ है ना, अमेरिका भी चला गया, फ्रांस भी चला गया, रशिया भी चला गया, है ब्राजील भी चला गया, और देखो वहां से भी भक्त लोग उनको भी है उनकी बाढ़ में उनको भी उन्होंने बहा दिया, उन्होंने किसी को नहीं छोड़े, उसमें सबके सब बहा दिया। और नित्यानंद प्रभु क्या बोले, दीनहीना पतिता पाप मार नहीं बाचे, ब्रह्मा र दुर्लभ प्रेम सब कार्य जाचे। कहते श्री नित्यानंद प्रभु उन्होंने ये नहीं देखा, भैया इसके अंदर में कोई गुण है ही, लेकिन इसके अंदर में बड़े अच्छे गुण है, उन्होंने ये नहीं देखा। उनने सबको दीनहीन पतित पाप, उन्होंने किसी चीज को उन्होंने नहीं देखा, और उन्होंने सबको प्रेम दिया। बोले भैया कौन सा प्रेम दिया, क्या प्रेम दिया? तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कर जाते, उनने छोटी मोटी चीज नहीं दिया, उन्होंने कहते जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव तरसे हैं, जो प्रेम को तरसते हैं ब्रह्मा जी, जहां पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी बैल वन में अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही है, और उद्धव जी जिसे प्रेम को पाने के लिए गुल्म लता औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए नारद जी नारद के कुंड में कठोर तपस्या की, जिस प्रेम को पाने के लिए शंकर स्वयं गोपीश्वर बन करके आए, लेकिन वो दुर्लभ प्रेम को नित्यानंद प्रभु आसानी से दे दिया है, उन्होंने आसानी से वो प्रेम को दे दिया। बोले भैया हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरी, नित्यानंद प्रभु के बोले भैया ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, उनने घर घर में गए और एक बार बोले 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 सचिन नंदन गौर हरी की, जयकार तो जय कहे, बोले जोर से बोलो बोले श्री सचिन नंदन गौर हरी। इसलिए उन्होंने बोले के बोले श्री महाप्रभु का एक बार श्री नाम को ले लो, एक बार श्री महाप्रभु का नाम को ले लो और कुछ करने का जरूरत नहीं। बोले इतने बोलने पर महाप्रभु का नाम, वो ब्रह्मा का जो दुर्लभ प्रेम हो उसको उन्होंने आसान से प्राप्त कर लोगे। इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले दयाल नीताई चैतन्य बोले, बोलो ना चरे हमार मान दयाल नीताई चैतन्य बोले, ना चरे हमार मान 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 ए मन दयाल तो नहीं है मार के नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के नाच उठे। बोले क्यों किसे मन नाच उठे, बोले ए मन दयाल का नहीं है मार के प्रेम दे। रामचंद्र आए, राम ने थोड़ी सी उल्टा पुल्टा किया ना, कोई दैत्य उठाया धनुष पूरा लंका समेत खत्म, कृष्ण भी आए उठाया चक्र और सब का खत्म, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, माथा सर भी फोड़ दिए, उन्होंने सर फोड़ दिए हैं, लेकिन कहते भैया मेरे ची काल सिर काना ताई बोली की प्रेम थी, बोला भले ही तुमने मेरे सर फोड़ दिया लेकिन इसलिए क्या तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, एक बार बोले मेरे प्रभु का नाम लो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम को ले लो बस सारे अपराध से माफ कर देंगे। महाप्रभु तो चक्र चक्र को महाप्रभु बुला लिया, सचमुच से उन्होंने देखा सुदर्शन चक्र आ ही गया था, अभी सुदर्शन चक्र जब आ गया इतने में नित्यानंद प्रभु श्री महाप्रभु का चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा किया, अभी याद नहीं आपने ये प्रतिज्ञा किया, एवे अस्त्र ना धरिव प्राण कार्य ना मारिव, आपने ये प्रतिज्ञा किया ना, ये अवतार में अस्त्र धारण नहीं करूंगा,
किसको जान से किसको मैं मारूंगा नहीं, अपनी प्रतिज्ञा किया ना, और सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा की थी नहीं। बोले हाँ, बोले प्रतिज्ञा को तोड़ क्यों रहे? इसलिए अगर आप मेरे ऊपर में कृपा करना चाहते हो ना प्रभु, आप इनके अपराध को माफ कर दो, बस इतना ही कर दो। जब नित्यानंद प्रभु महापुरुष का चरण में गिर पड़े, माफी मांगे, हैं, बोले ठीक है। जब नित्यानंद प्रभु मेरे माफी मांगे, बोले जाओ, मैंने क्या किया, ये जगाई को उद्धार कर दिया, क्योंकि जब माधाई मार रहा था ये जगाई ने रोका था। बोले भैया ये साधु संतो क्यों बेकार मार रहे हो, इनको मार कर क्या लाभ है? इसलिए जगाई ने रोका था, इसको मैंने मुक्त कर दिया। इतने में माधाई बोले प्रभु, हमने जितने पाप कर्म दोनों मिलकर शराब दोनों किए हैं, उल्टा पुलटा मांस दोनों ही खाए, मार पीट दोनों ही किए, जो कुछ भी आप हम दोनों ही किया। जब आप एक को उधार कर रहे हो, आप एक को क्यों छोड़ रहे हो? प्रभु मेरे को भी कृपा करो। बोले ठीक है, तुम श्री नित्यानंद प्रभु चरण में गिर पड़ो। जब नित्यानंद प्रभु का चरण में गिर पड़े, अपराध उन्होंने माफ कर दिया, इसलिए उन्हें मार खा करके भी उन्होंने उनको प्रेम प्रदान किया। कौन? श्री नित्यानंद प्रभु। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि। इसलिए कहते वो इतने दयालु, इतने कृपालु श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए अवध करुणा सिंधु काटिया महान, इनकी कृपा से ही हैं। अभी जो छिटावटा में भक्ति का प्रेम ले रहा है ना, इनकी कृपा से हमें, इनकी कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो ये कृपा हमारे ऊपर में नहीं होता। इसे नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, इसलिए इनका नाम श्री बलदेव। क्या नाम है? बलदेव। इनका नाम बलदेव नाम के ऊपर है। कहते बल, बोले बल का देव मतलब अधिष्ठात्री देव। कहते ये बल का जो अधिष्ठात्री देवता बलदेव, कौन सा बल है? इन बलदेव प्रभु संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देव, बड़े बलवान। इसलिए जब इनके नामकरण श्री गर्गाचार्य कर रहे थे, बोले अयम रोहिणी पुत्र जो बेटा है, हैं, ये अपना गुण महिमा के द्वारा सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम लिखा राम होगा। बड़ा इसलिए इनका नाम हो बल राम, इनका नाम बल राम हुआ। एक तरीके बड़े ताकतवर बल, दूसरी बल क्या है? बल भक्ति का बल। भक्ति का बल देने वाले कौन है? श्री बलदेव प्रभु। भक्ति का बल भी यही देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना, एकाकिया मार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। जैसे वृंदावन छोड़कर नहीं जाते,
वो वृंदावन कहते हैं। इसे तो वही नंदन जो प्रदेश प्रभु हमें वृंदावन कहते हैं। इसलिए जब संकरण रूप होते हैं फिर उनसे इतनी जी है सब के श्री वैकुंठ हमें बलकर बन करते वहां पर सब सेवा करते हैं। एक जो कामदसा जो विष्णु है उनसे जो सृष्टि होते हैं जी कहते वहां से दो तरह का उनका जो खेती है दो तरह का। एक तो कुछ मुक्त होकर के जी जो माया देख करके मुक्त नहीं हुए वो सब के कृष्ण सेवा चले ले। हम जिसे दुभाग्य की माया चाचिकों को देख करके जो वही तो हो गए ना वही सब इस जगत में आकर के दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं। इसलिए जीव को उद्धार करने के लिए भी बलदेव प्रभु सारा प्रणाम कौन सा राक्षस को बल किया था बलदेव प्रभु कौन सा राक्षस सबसे पहले मारे थे किसको गर्धवासु सबसे पहले किसको मारे करा दूंगा
कहता मैं ये देख रहा हूँ कब उसकी बेटी और एक बार जलाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी। इसी इंतजार से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी चल जाऊंगा। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि उसी तरह हम भी इसी संसार में कि जो माया के चक्कर में हम भी संसार की, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अति तुच्छ भोग आसे बद्धी हई माया बसे रहिले विकृत भावे दंड जत पराधे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हम भी संसार में तुच्छ भोग की आस से, अब देखना संसार का सारे काम हम करते हैं लेकिन सबके गाली सुनना पड़ता ही नहीं। आप बोलो शब्द सेवा हम कर रहे हैं, दुनिया के शब्द सेवा करते हैं लेकिन गाली किसको सुनना पड़ता है? हमें ही गाली सुनना पड़ता है, सारे गाली दिन भर शब्द सेवा कर गाली है सुनना पड़ता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भैया तुम फिर क्यों भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, भगवान की भजन की कर क्यों मस्त में नहीं रहते हो। ये कथा सुनाते थे। दूसरी कथा सुनाते थे, एक समय एक व्यक्ति गधा लेकर जा रहा था, गधा लेकर जाते जाते वो पहाड़ी अंचल में गया लेकिन वो भूल गया साथ में रस्सी लेने का। जब इतने में गया तो वहां पर गधे को खड़ी करके बोले भैया रस्सी तो लाया नहीं, फिर उनको प्यार बांधूंगा कैसे, बोले आस पास में कहीं रस्सी मिल जाए। देखा पास में के साधु थे, बोले आपके पास में कोई रस्सी है? बोले क्यों? बोले मैं रस्सी छोड़ दिया, अभी गधे को अगर बांधूंगे तो गधे भाग जाएंगे। बोले चलो ना मैं बांध देता हूँ। बोले रस्सी का? बोले चलो वैसे बांध दूंगा। वो गए और जाकर के उन्होंने क्या किया, उसको प्यार में ऐसे झूठ मुठ का हाथ में उसको प्यार में ऐसे ऐसे रस्सी का बहाना किया और पेड़ में बांधने का बहाना किया, उसको प्यार में बांधने का बहाना किया, पेड़ में बांधने का बहाना किया। बोले बांध दिया, बोले हो गया? बोले हाँ। बोले गधे नहीं जाएंगे? बोले एकदम नहीं जाएंगे। सचमुच से रात भर गधे वही खड़े हुए, वही पर गधे खड़े हुए, ट्रस्ट मस नहीं हुआ। सवेरे उसको उन्होंने सवेरे हो गया अभी गधा को लेकर जाएगा, लेकिन जब उसको मारे चलो लेकिन गधा टस मस नहीं, वो तो वहां से हटे ही नहीं। इतने में फिर साधु के पास में गया, बोले ये गधे चलने तैयार नहीं हो रहे। बोले रस्सी खुला कि नहीं? बोले रस्सी है कहाँ? बोले रस्सी है कहाँ? रस्सी तो है ही नहीं, वो चलेगी कैसे? बोले अरे रात में उसको बांधा था ना। बोले बांधा ना आपका हाथ को ऐसे कर दिया था। बोले यही तो चक्कर है, चलो मैं खोल देता हूँ। फिर वो साधु आकर के ऐसे ऐसे बांधा था ना, फिर उल्टा उल्टा हाथ घुमाना सब शुरू कर दिया, फिर गधा चल पड़े, गधा चल पड़े। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छे सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। बोले जीव कौन है? बोले ईश्वर का अंश है, वो अमल है, वो पवित्र है, उसका धाम में आनंद की धैर्य है, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट की न्याय। उन्होंने दो उदाहरण दिया, अद्भुत दोनों का उदाहरण दिया। मरकट मतलब होता है बंदर, अब देखो बंदर कैसे पकड़ते हैं, एक कलसी उसको सामने लेकर गाड़ देते हैं, उसका मुंह बहुत छोटा होता है और बंदर को दिखा दिखा कर वहां पर कोई आलू नहीं तो कोई फल को रख लेंगे, वो उतना बड़ा होगा हाथ तो चले जाएगा लेकिन पकड़ेगा जब ना खींचने पर हाथ नहीं निकलेगा, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है जैसे हम अंदर से कोई हाथ को पकड़ कर रखें लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा है, लेकिन उसको ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे कोई पकड़ कर रखा है, टेंट 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 चेंच 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 करने लग जाता, पहली आएगा रस्सी बांध कर चले जाएगा, वो जा सकता है। दूसरा उदाहरण दिया तोता, तोते कैसे पकड़ते हैं? एक तोते कैसे पकड़ते हैं? ऐसे ही तोते के लिए एक फल लगा देते हैं और एक बांस लगा करके उसके ऊपर में एक नली सा लगा देते हैं, जब तोता अगर बैठता है वो नीचे झूल जाता है, उसको कोई पकड़ा नहीं लेकिन उसको लगा जैसे फिर कोई पकड़ लिया, वो जाएगा नहीं, फिर भेड़िया पकड़ लेता है। कहते उसी तरह भैया माया किसी को नहीं पकड़े, नहीं हम स्वयं माया को पकड़ करके रखें, माया हमें नहीं पकड़ा। हम सोचते हैं अगर भजन के लिए जाएंगे फिर संसार क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कोई सकता भाई कोई तेरे को नहीं पकड़ा, तुम मुक्त हो, मुक्त होकर भजन करने के लिए जा सकते हो। इसलिए कहते हम भी संसार में, इसलिए श्री बलदेव प्रभु क्या किया, उनकी कृपा से ही अंधकार दूर होता है, उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा से ही जीव ये गंधर्व का जो स्वभाव को छोड़ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्री ताऊ भैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री राम।
उसमें उठा हुआ है, उठा हुआ है। Oh,
जय जय परमानंदम श्री गुरु पद पाद मणिशिला प्रविष्टम उष्ट पाद परमहंस परिव्राजाचार्य शुतोत्र सत श्रीमद्